Hello, students. Welcome back to online classes. Today, we are going to do the worksheet of sentence reordering. This is worksheet number 77 in your Bravia practice book grammar part. Okay. So, look at the phrase uh, words and phrases given below, rearrange them to form meaningful sentences to make yes, to make. रीडेबल पैसेज राइट द करेक्ट सेंटेंसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड तो आपने इन जम्बल्ड वर्ड्स या फ्रेजेस को अरेज करके रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेज में कन्वर्ट करना है फर्स्ट वन दैट द बॉडी वी नो ऑल कंट्रोल्स द ब्रेन तो सबसे पहले We, यहां पर देखिए हिंट भी गिवन है W कैपिटल है वी नो दैट अब बताइए बॉडी ब्रेन को कंट्रोल करती है या ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो स्टूडेंट्स आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है वी नो दैट द बॉडी कंट्रोल्स द ब्रेन क्या हमारी बॉडी ब्रेन को कंट्रोल करती है नो no, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ओके okay, तो आपने ध्यान से लिखना है वी नो दैट द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी अब ऑल रह गया कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए तो ऑल कहां पे वी के बाद वी ऑल नो हम सब जानते हैं वी ऑल नो दैट द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी आपने काउंट कर लेने हैं इन वर्ड्स को भी और आपका जो सेंटेंस बना वो भी पूरे इतने ही वर्ड्स होने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ही वर्ड्स होने चाहिए ओके वी ऑल नो दैट द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी नेक्स्ट वन लेफ्ट राइट एंड साइड्स टू हैज ब्रेन द ब्रेन की टू साइड्स होती है लेफ्ट एंड राइट right. तो क्या कहेंगे द ब्रेन हैज टू साइड्स कॉमा राइट एंड लेफ्ट हम लेफ्ट एंड राइट नहीं लिख सकते लेफ्ट राइट एंड बन जाएगा तो राइट एंड लेफ्ट द ब्रेन हैज टू साइड्स कॉमा राइट एंड लेफ्ट नेक्स्ट वन साइड डिफरेंट ईच कंट्रोल्स फंक्शंस each side controls different functions each side controls different functions next one which side out find of your stronger brain is brain is यहां पर आप देखिए विच साइड डब्ल्यू एच वाला वर्ड है तो या तो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड बनेगा या सिंपल है तो आप ट्राई कीजिए ब्रेन इज स्ट्रांगर अब देखिए फाइंड आउट हम लिख सकते हैं फाइंड आउट ठीक है ऑफ योर के साथ ब्रेन आएगा ठीक है फाइंड आउट ऑफ योर ब्रेन इज क्या विच साइड ऑफ योर ब्रेन इज स्ट्रांगर ठीक है तो कहां से सेंटेंस शुरू होगा फाइंड आउट विच साइड ऑफ योर ब्रेन इज स्ट्रोंगर फाइंड आउट से शुरू होगा फाइंड आउट ढूंढिए जानने की कोशिश कीजिए विच साइड ऑफ योर ब्रेन इज स्ट्रांगर तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस को मीनिंगफुल uh, वे में चेंज करके रीअरेंज करके वर्ड्स फ्रेजेस को कंप्लीट करना होता है नेक्स्ट वन ऑफ न्यूज प्रिंट यूज इन द एज अ स्टार्च इज मेकिंग बाइंडर न्यूज प्रिंट यूज स्टार्च इज मेकिंग बाइंडर बाइंडर होता है बांधने वाला जैसे गोंद होता है ठीक है स्टार्च इज यहां से शुरू हो सकता है स्टार्च इज यूज किया जाता है यूज ठीक है एज अ किस तरह से एज अ बाइंडर और किस चीज में इन द मेकिंग ऑफ न्यूज प्रिंट स्टार्च इज यूज एज अ बाइंडर इन द मेकिंग ऑफ न्यूज प्रिंट नेक्स्ट वन ड्यूरिंग फ्रॉम सीपिंग थ्रू इंक प्रिवेंट्स द इट प्रिंटिंग यह रोकता है इट प्रिवेंट्स किसको द इंक इंक को फ्रॉम सीपिंग थ्रू सीप होना मीन्स सोख लेना ओके इट प्रिवेंट्स द इंक फ्रॉम सीपिंग थ्रू ड्यूरिंग प्रिंटिंग ओके ड्यूरिंग प्रिंटिंग से भी शुरू किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रिंटिंग इट प्रिवेंट्स द इंक फ्रॉम सीपिंग थ्रू या फिर इट प्रिवेंट्स द इंक फ्रॉम सीपिंग थ्रू ड्यूरिंग प्रिंटिंग कम टू द नेक्स्ट वन यूज न्यूज पेपर चीपर स्टार्च लेस न्यूज पेपर्स यूज लेस चीपर स्टार्च नो नहीं बन सकता चीपर है तो लेस नहीं लगा सकते ओके okay? तो स न्यूज पेपर्स यूज चीपर स्टार्च ठीक है बहुत कम न्यूज पेपर यूज करते हैं चीपर स्टार्च को लेस न्यूज पेपर्स यूज चीपर स्टार्च ओके नो नहीं बना एक और तरीका है. एक और देखिए आप Uh, अभी प्रॉपर नहीं बन पा रहा लेस न्यूज पेपर्स यूज चीपर स्टार्च नहीं चीपर न्यूज पेपर्स सस्ते न्यूज पेपर जो होते हैं यूज लेस स्टार्च दैट इज बेटर वन जो चीपर न्यूज पेपर्स होते हैं घटिया या सस्ते न्यूज पेपर्स होते हैं वो कम स्टार्च यूज करते हैं ज्यादा स्टार्च यूज होगा तो ज्यादा बेटर क्वालिटी आएगी कम स्टार्च यूज करते हैं तो ये आपका सेंटेंस सही बनेगा चीपर न्यूज पेपर यूज लेस स्टार्च नेक्स्ट वन गेट ब्लैक आर फिंगर्स देर फोर होल्ड द वेन वी न्यूज अब लेस स्टार्च यूज करते हैं चीपर न्यूज पेपर इसलिए जब हम उनको होल्ड करते हैं तो हमारे फिंगर्स पे ब्लैक इंक लग जाती है तो देअर फोर इसलिए जब हम उसको न्यूज पेपर को होल्ड करते हैं वेन वी होल्ड When we hold the newspaper, our fingers get black. Therefore, when we hold the newspapers, our fingers get black, Ya, Therefore, our fingers get black when we hold the newspaper. These are the two ways. Come to the next one. In summer, warm in cool and our mud hurts winter. ये हमने पहले भी आपके एग्जाम में डाला था एक बार कुछ ध्यान है आपको मड हट्स जो होती हैं मिट्टी की बनी हुई ओके okay, कच्ची झोपड़िया तो वो कौन से सीजन में क्या होती हैं मिट्टी की झोपड़ियां समर में कैसी होती हैं कूल cool. और विंटर्स में वार्म तो आपने इसी तरह से सेंटेंस बनाना है मड हट्स आर कूल in summer and warm in winters mud huts are cool in summer and warm in winters next one it because is because of clay it they are made it is because they are made of clay clay means chikni mitti इट इज बिकॉज दे आर मेड ऑफ क्ले ऑफ क्ले इज अट कंडक्टर पुअर क्ले इज अ कैसा हीट कंडक्टर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्ले इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लास्ट वन एक्सटर्नल डज नॉट हीट एब्सॉर्ब समर इट ड्यूरिंग इट Does not kya nahi karta, absorb external heat during summer. It does not absorb external heat during summer. In this way, you will try to do the other exercises also. Come to the next page and try to do these exercises.

रुको आ, अमेरिका के साथ द नहीं लगा सकते क्योंकि अगर यूएस ए होता है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब तो द लगता है अदरवाइज हम अमेरिका के साथ द नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस द टर्की इज द नेटिव टू अमेरिका द टर्की इज द नेटिव टू नेटिव टू अमेरिका नेक्स्ट वन वर इन बाय दे इम्पोर्टेड टर्की मर्चेंट्स इंग्लैंड दे वर इम्पोर्टेड बाय टर्की मर्चेंट्स इन इंग्लैंड दे वर इम्पोर्टेड बाय टर्की मर्चेंट्स इन इंग्लैंड या फिर आप बना सकते हो दे वर इम्पोर्टेड इन इंग्लैंड बाय टर्की मर्चेंट्स Come to the next one. Called is Indian bird like France in countries it. In countries like France, it is called Indian bird. Yeah, it is called Indian bird in countries like France. इट से शुरू कर सकते हो आप इजिली इट इज कॉल्ड इंडियन वर्ड इन कंट्रीज लाइक फ्रांस ओके या फिर इन कंट्रीज लाइक फ्रांस कॉमा है ना गिवन तो इन कंट्रीज लाइक फ्रांस पहले दे दो आप कॉमा ऑलरेडी गिवन है अगर कॉमा ना होता तो हम इट से शुरू करते अब कॉमा है तो इन कंट्रीज लाइक फ्रांस कॉमा इट इज कॉल्ड इंडियन वर्ड लास्ट वन

Came from India. Clear? In this way, you will try to do the other exercises from this page. Try to do the exercises now, and then you will get the answers of these exercises and you will match your answers. Fine? Thank you.